मात्रा पे लगी त्रू और ज्ञा पे लगी ग्यू। अब देखिए ऊ की मात्रा में अंतर देखो, हम रारसी पर मात्रा लगाते हैं छोटे ऊ की और बड़े ऊ की, ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसको हम रा पे लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा तो ऐसे लग जाती है और बड़े ऊ की मात्रा घुंडी लगा के ऐसे गोल घुमा के नीचे इस तरह से लगती है। तो इन मात्राओं में रा पे लगाने पर ये अंतर होता है, ध्यान रखना इस पर, बच्चे बोलने में कभी कभी लिखने में गलतियाँ पढ़ते हैं, तो ये रा पे मात्रा इस तरह से लगती है, ठीक है। और ये आप प्रत्येक अक्षर को बोल करके देखेंगे, जैसे आपको ऊ की मात्रा समझ में आ जाए और बोलना भी आ जाए, और कल आपके फिर शब्द कराएंगे, इन्हीं जो मात्रा लगी हुई है इन्हीं से शब्द बनते हैं। जैसे हमने का ले लिया तो का को लिख दिया कू, और इसके आगे बिना मात्रा वाला शब्द लिख दिया, जैसे कू ल, ल लिख दिया तो ल बन गया, और प लिख दिया तो कूप बन गया, है ना। तो कोई भी अक्षर हम लिखते हैं तो हमारा शब्द बन जाते हैं, ऐसे मात्रा वाले शब्द इसी तरह से बनते हैं। तो पहले आप इन मात्राओं को वाले शब्दों को पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, जैसे आपकी चीज़ बोलने में दिक्कत ना आए।